माइक्रोफोन से आशनाई है, साथ खामोखा शोर मचा कर चला गया। मोहतरम प्रिंसिपल साहब और दीगर मुअज्जिज़ सामीन, मेरे प्यारे दोस्तों, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने सिजदा के इंतजाम के मौजू के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि खुदा ताला ने हमें वसाइल दिए हैं ताकि हम अच्छे से जिंदगी गुजार सकें, लेकिन अफसोस इस बात से है कि हम इन वसाइलों का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या जाया करते हैं? जितना हमें इस्तेमाल करना है उससे भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करते हैं, जब भी हम वेस्ट को देखते हैं, कोई भी चीज खाते हैं या कोई भी चीज बाजार से लाते हैं, यूज करने के बाद हम उसको ऐसे ही फेंकते हैं। वी आर किलिंग मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम इस वेस्ट मटेरियल को ऐसे ही छोड़ते हैं अपने माहौल में, अपने सराउंडिंग में, तो हम नहीं देखते हैं कि इस वेस्ट मटेरियल की वजह से कितने मर रहे हैं। वी आर किलिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक टाइम आएगा कि जब यही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बहुत जरूरी थे, जब ये भी मर गए, तो एट डे विल कम जब पूरी दुनिया एक बीमारी में मुलव हो जाएगी। वी आर रियल इंजीनियर्स, तो हमें सोचना चाहिए कि इंजीनियर होने के नाते हमें कुछ ना कुछ पूरी दुनिया को देना है। तो अगर वो दे रहा है, वो एक ही चीज दे रहा है कि हाउ टू रिड्यूस द वेस्ट मटीरियल दैट आर इन आवर सराउंडिंग। तो ऐसी एक शख्सियत जो बेंगलोर का था, आर्मी कॉलेज ऑफ बेंगलोर इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसका नाम है कादिर खान, अहमद खान जो है, अहमद खान ने एक ऐसी कोलैबोरेशन प्रॉपर्टी निकाली। क्या किया उसने? इंजीनियरिंग कॉलेज और म्युनिसिपल काउंसिल टावर ऑफ बेंगलोर उनके साथ कोलैबोरेशन किया। बताया उसने क्या किया, उसने जो कबाड़ी वाले है ना उनको बताया कि आपको मैं जो भी आप वेस्ट मटेरियल लाओगे, प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल, आपको मैं हर किसी वेस्ट मटेरियल को 6 रुपए दूंगा। उस टाइम में 2002 में 6 रुपए बहुत माने जाते थे। अहमद खान ने क्या किया, इस वेस्ट मटेरियल को उसने इसी को विटामिन के साथ जब कोलैबोरेट किया इसी प्लास्टिक मटेरियल को, उसने बेंगलोर में एक रोड डाला जो पानी की वजह से खराब नहीं हो सकता है। आज भी वो रोड एट अबाउट 40 किलोमीटर ही एट दैट टाइम। जब अहमद खान ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं? हमें भी चाहिए कि वी आर इंजीनियर्स, सो हमें पहले ही बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे मजहब इस्लाम में भी बताया गया है कि उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपको चाहिए, और जाया हुआ चीज कोई भी चीज। ख्याल फिक्रो फन से आशनाई है, वस्तत ख्याल फिक्रो फन से आशनाई है, साथ खामोखा शोर मचा कर चला गया। मोहतरम प्रिंसिपल साहब और दीगर मुअज्जिज़ सामीन, मेरे प्यारे दोस्तों, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने सिजदा के इंतजाम के मौजू के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि खुदा ताला ने हमें वसाइल दिए हैं ताकि हम अच्छे से जिंदगी गुजार सकें, लेकिन अफसोस इस बात से है कि हम इन वसाइलों का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या जाया करते हैं? जितना हमें इस्तेमाल करना है उससे भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करते हैं, जब भी हम वेस्ट को देखते हैं, कोई भी चीज खाते हैं या कोई भी चीज बाजार से लाते हैं, यूज करने के बाद हम उसको ऐसे ही फेंकते हैं। वी आर किलिंग मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम इस वेस्ट मटेरियल को ऐसे ही छोड़ते हैं अपने माहौल में, अपने सराउंडिंग में, तो हम नहीं देखते हैं कि इस वेस्ट मटेरियल की वजह से कितने मर रहे हैं। वी आर किलिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म।
एक टाइम आएगा कि जब यही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बहुत जरूरी थे जब ये भी मर गए तो एट डे विल कम जब पूरी दुनिया एक बीमारी में मुलवस हो जाएगी। वी आर रियल इंजीनियर्स तो हमें सोचना चाहिए कि इंजीनियर होने के नाते हमें कुछ ना कुछ पूरी दुनिया को देना है। तो अगर वो दे रहा है वो एक ही चीज दे रहा है कि हाउ टू रिड्यूस द वेस्ट मटीरियल दैट आर इन आवर सराउंडिंग। तो ऐसे ही एक शख्सियत जो बेंगलोर का था, आर्मी कॉलेज ऑफ बेंगलोर इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसका नाम है काजिज खान। अहमद खान जो है, अहमद खान ने एक ऐसी कोलैबोरेशन प्रॉपर्टी निकाली। क्या किया उसने? इंजीनियरिंग कॉलेज और म्युनिसिपल काउंसिल डायरेक्टर ऑफ बेंगलोर उनके साथ कोलैबोरेशन किया। बताया उसने क्या किया, उसने जो कबाड़ी वाले है ना उनको बताया कि आपको मैं जो भी आप वेस्ट मटेरियल लाओगे प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल आपको मैं हर किसी वेस्ट मटेरियल को 6 रुपए दूंगा। उस टाइम पे 2002 में 6 रुपए बहुत माने जाते थे। अहमद खान ने क्या किया, इस वेस्ट मटेरियल को उसने इसी को विटामिन के साथ जब कोलैबोरेट किया इसी प्लास्टिक मटेरियल को उसने बेंगलोर में एक रोड डाला जो पानी की वजह से खराब नहीं हो सकता है। आज भी वो रोड एट अबाउट 40 किलोमीटर ही लेट एट टाइम। जब अहमद खान ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं? हमें भी चाहिए कि वी आर इंजीनियर्स सो हमें पहले ही बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे मजहब इस्लाम में भी बताया गया है कि उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपको चाहिए और जाया हुआ हुआ चीज कोई भी चीज हो चाहे डस्ट पानी से ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर हम 10 साल पहले की बात करेंगे तो उस टाइम पे साइंस उतनी तरक्की नहीं कर चुका था, नो टेक्नोलॉजी वगैरह एट दैट टाइम। तो लोगों के दिमाग में ये नहीं था कि हम क्या करें, अब तो वेस्ट मटेरियल है। लेकिन वो तब भी कम इस्तेमाल करते थे, वो जब भी इस्तेमाल करते थे तो कम तक इस्तेमाल करते थे क्योंकि गरीब थे उस टाइम पर, उतने पैसे नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम वही सोच जाते हैं, पुरानी सोच जाते हैं।